ये वाला कार्ड लगेगा अपने आड़े में। बोलो अल्फा एक बार, इसका तो ग्रीप है ना, मस्त ग्रीप है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद पकड़ कर टूरिंग का जो सेटअप था वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है। ये विश्वदीप कैसे लेकर जाओगे, थोड़ा दिखा दो, सब भी डालो, थोड़ा ढेकी ठीक हो जाएगा। तो टायर का इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट एंड लुक देखिए, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओ भाई लुक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट लेवल कौन देगा विश्वदीप, चलो भाई चलाओ थोड़ा बहुत देख लो। What's up guys, welcome back with another video. आज है संडे एंड टाइम हुआ है 11:50 एंड हम लोग अभी सुबह सुबह अपने आर एस को लेकर निकल पड़े हैं, क्योंकि आज अपन चेंज कराने वाले अपने आर एस का टायर, क्योंकि लास्ट वीक अपने एन एस का हम लोग टायर चेंज कराए थे, जिसमें हम लोग 150 का टायर इंस्टॉल कराए थे एंड उसका जो रिव्यू काफ़ी बढ़िया हम लोगों को मिला है, तो उसके बारे में विश्वा थोड़ा बता देगा। इस प्राइस रेंज में ऐसा ग्रिप कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके जो ग्रूव्स है ग्रूव्स में अलग ही ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, वो वेट ग्राउंड हो या फिर ड्राई ग्राउंड एंड उसका जो ग्रिप जो है ना वो ग्रिप हार्ड एंड सॉफ्ट कंपाउंड मिक्सचर है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपने आर एस में ही सेम ही टायर इंस्टॉल कराएंगे, तो लास्ट जो शॉप था उस शॉप में अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग दूसरा वाला शॉप में चले आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसा क्या प्राइस हम लोगों को, कितना प्राइस में हम लोगों को मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग इंस्टॉल कराएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा टायर अवेलेबल है अपने आरएस के लिए। तो चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि विश्वजी थोड़ा गुस्सा है, विश्वजी का घेटी जो है ना वो टेढ़ा हो गया। कैसे हुआ है भाई वो टायर? तो यहाँ पे अपना है ना सैनी जो टायर जो देख रहे हैं आप लोग, कितना मस्त लग रहा है, कितना बढ़िया इसका लुक्स जो है ना, ये लुक्स ही पूरा एकदम चेंज कर दिया है। नॉर्मली हम लोग का 130 लगता है, पर 130 के बाद ये जो 150 जो लगा है, ये पीछे का जो वाइड जो शेप जो दे रहा है ना, ये काफ़ी बढ़िया एकदम अट्रैक्टिव लुक्स लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो अभी यह है अपना, यहाँ पे है अपना आरएस, अपना आरएस का अभी हालत आप लोग देख सकते हैं, धूल मिट्टी में भरा हुआ। आज ही इसको नहलाएंगे, सब कुछ कराएंगे, पहले इसका जो रैक्स जो है ये भी हम लोग को अनइंस्टॉल कराना है, क्योंकि अनइंस्टॉल करने से ये पीछे का जो टायर का जो लुक्स जो लगेगा ना इसके लगने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद, वो थोड़ा बहुत ब्रॉड एंड थोड़ा एनएस के जैसा भी अपना बाइक भी लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले टायर को इंस्टॉल करा लेंगे, उसके बाद ये जो रैक एंड ऑल जो है उसको भी इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद फिर से जब हम लोग कोई भी टूर पे जाना होगा उसके बाद फिर से एक बार इसको भी फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एंड ये जो सामान जो है वो लेकर जाएगा अपना विश्वदीप जाकर बेच नहीं देना, लेकिन एकदम गुस्से में आके बेच दिया। नहीं हम सोच रहे हैं कि अच्छा तो भारी माल है, सामने का टायर भी चेंज कर लेंगे बेच के। तो एक ट्विस्ट जो है, हम लोग अपोलो C8 वाला टायर हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाने वाले कौन सा टायर लगाने वाले विश्वदीप? अपोलो अल्फा H1, दिस इज द टायर, ये वाला टायर लगेगा अपने आरएस में भाई साहब। एंड इसका प्राइस कितना मिल रहा है हम लोगों को? 5800। थोड़ा ज़्यादा पड़ गया प्राइस, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे को डर लग रहा है, इसमें मेरे को भरोसा है नहीं। आज ना मेरा टायर चेंज करने के टाइम इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों है? मेरे टायर के टाइम पे वो वाला शॉप में टायर खत्म हो गया, टायर नहीं है, और मेरे को आज के आज ही चेंज कराना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे बाइक अपने आरएस चेंज कराने के टाइम में, इतना ज़्यादा दिक्कत। ये विश्वदीप का घेटी चेंज हुआ है, इसका घेटी घूम गया, इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया है, जिसके वजह से मेरा इतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। अरे भाई चाहे इसको अभी थोड़ा बहुत खिलाना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, पकड़ के रखो विश्वदीप, मेरा बाइक अगर गिर गया तो गया। चलाइए अपना टायर, तो अंदर अभी होगा अपना टायर का इंस्टॉलेशन।
कबाब लगेगा ये वाला टायर। काफी बढ़िया घासू लग रहा है। अंदर चल रहा है टायर का काम एंड बाहर चल रहा है अपना गाड़ी का पिछवाड़ा पूरा इंस्टॉल करने का काम। विश्वदीप पूरा पकड़ के रखना ठीक है, तुम्हारे को पूरा एकदम भयानक जिम्मेदारी है। तो चलिए फिर से अंदर चलते हैं, हमें टायर को इंस्टॉल कराने को देखना है अपने को। एंड टायर का पूरा एकदम वो डाउन आप लोग देख सकते हो, बहुत सारा हर एक टाइप का टायर आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक MRF का भी टायर है। पहले मैं सोचा था कि ये वाला टायर लगा लूँ, इसका प्राइस है 4300 एंड ये भी 150 है, पर ये थोड़ा वाइड एंड बहुत ज़्यादा हार्ड कंपाउंड है और मेरे को ये वाला इंस्टॉल नहीं कराना है क्योंकि MRF का टायर का भी रिव्यू बढ़िया है। ये नहीं बोलूँगा कि ये ख़राब है, पर मेरे को वो CH का ही चाहिए था एंड नहीं तो अपोलो का, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट एंड हार्ड कंपाउंड का मिक्सचर है एंड अपोलो का पूरा पूरी सॉफ्ट कंपाउंड है। पर मेरे को वो वाला CH का नहीं मिला तो इसलिए मेरे को अपोलो का ही इंस्टॉल कराना है। ठीक है चलिए देखिए। टायर ऑलमोस्ट रेडी है, चलिए अभी ये वाला भी इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे जो है अपना टूरिंग का जो सेटअप था वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है। ये विश्वदीप कैसे लेकर जाओगे थोड़ा दिखा दो, सर में बिठा लो थोड़ा, घेटी ठीक हो जाएगा। और भी यहाँ पे लग रहा है अपने जान के अंदर जान, इसका मतलब अपने RS के अंदर ये टायर जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो टायर इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट एंड लुक्स में आप लोगों को पूरा एकदम, जब एकदम पूरा काम कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आप लोगों को लुक्स दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, थोड़ा बहुत चला के भी देख लेंगे कि कैसा क्या, मतलब ये सेटिंग कितना क्या करना है नहीं करना है। और ये कलर जो है ना वाइट एंड ग्रीन लाइट ग्रीन, ये वाला कलर एकदम मैच हो गया एंड अपना पूरा बाइक का पूरा बॉडी का जो रैपिंग जो है उसके साथ पूरा मैच हो गया है। एंड कुछ दिन बाद अपना फ्रंट का भी चेंज करा लेंगे, वो भी अपलो का ही लगा लेंगे। तो टायर का इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट एंड लुक्स देखिए, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड इसका जो अभी क्या बोलते हैं उसको रिव्यू, अभी फर्स्ट रिव्यू कौन देगा विश्वदीप, चलो भाई चलाओ थोड़ा बहुत देख लो। जाओ 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 जल्दी, इतना हल्ला नहीं करना है। ठीक है ना ब्रेक्स, ब्रेक्स आर ऑल राइट, सही भाई, भाई। ओ भाई लुक्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। अपोलो अल्फा H1। इसका जो ग्रिप है ना मस्त ग्रिप है, एकदम पूरा एकदम ग्राउंड को टच करके एकदम चल रहा है, टच करके एकदम पूरा। तेरा नहीं हो जाएगा ना घेटी मेरा भी? नहीं नहीं नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरा टायर का कॉस्ट पड़ा ऑलमोस्ट 5800 पर बिस्वा का पड़ा था 3750। बिस्वा का घेटी जो टेढ़ा हो गया था जिसके वजह से उसने क्या तुकता किया पता है नहीं, मेरा सुबह से एकदम दिन एकदम ही खराब जा रहा था, पर लास्ट में जाके देर आए दुरुस्त आए। तो अभी हम लोग थोड़ा एक डेढ़ महीना बाइक को थोड़ा ठीक से चला लेते हैं एंड उसके बाद टायर का रिव्यूज़ वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, लव यू ऑल।